छवि आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार का कोसी दियारा क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त इलाका। आपको बता दें कि कोसी दियारा में रहने वाले तमाम लोग बाढ़ की परेशानी से दो चार होते हैं। दिन और रात वे बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं। आपको हमने एक खबर दिखाया था जिसमें हमने बताया था कि सहरसा जिले के नौहट्टा के कोसी क्षेत्र में स्कूल बाढ़ की चपेट में जा रहा है, कटान बढ़ती जा रही है। स्कूल को अब बाढ़ अपनी आगोश में लेने को आतुर है। प्रशासन कब जगेगी? आपको बता दें, खबर का हुआ असर, खबर चलने के उपरांत ही सही अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीओ, इंजीनियर सभी मौके पर पहुंचे और मुआयना भी किया। इस मौके पर पहुंचने के बाद हमारे प्रतिनिधि ने उनसे बातचीत की। क्या कुछ वो कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। आप क्या हैं वो थोड़ा बता दीजिए। एसडीओ चंद्रायन। एसडीओ चंद्रायन। तो सर, ये जैसे एनपीएस स्कूल है इराजी कठवार, तो सर ये नदी में तो अभी विलीन हो चुका है, तो इसमें सर आप तो क्या कार्य कर रहे हैं अभी इनको बचाव के लिए? इसमें हम लोग एसबीसी का कार्य करा रहे हैं जी। एसबीसी में होता है कि उसमें इसी बैग में लोकल सैंड फिल करके जी, उसको भर के उसके मतलब स्कूल के अराउंड में जी उसको क्रिएट किया जाएगा जी। ये आपके कब से कार्य जारी है? ये हम लोग दो तीन दिन से कार्य करा रहे हैं, फिर भी एक्चुअली वो अप स्ट्रीम से ही अंदर से घुस जा रही है, मतलब आउट फ्लैंक कर रहा है। जहाँ पे कार्य करा रहे हैं ना, उसके पीछे ही से घुस जा रही है। और नदी का आप देख ही रहे हैं क्या रुख है जी, का ईस्ट की ओर शिफ्ट कर रही है नदी, मतलब वेस्ट की ओर डिपोजिशन कर रहा है, इधर इरोजन कर रहा है। ये करंट सिचुएशन है यहाँ का जी। अब स्कूल तो नदी में विलीन हो चुका है। देखिए, इसको जो रेस्ट है बचा हुआ है, इसको बचाने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। आपने लाइव वीडियो भी देखा कि किस तरह स्कूल कोसी के आगोश में धराशायी हो गया। आपने देखा कि किस तरह कोसी की बाढ़ लोगों को डरा रही है, इसकी विभीषिका लोगों को परेशान कर रही है। कोसी का दियारा क्षेत्र अक्सर बाढ़ की चपेट में अपनी नींद हराम करती है। लोगों की सुख सुविधाएं कोसी के काल में समा जाता है। एक बार फिर से कोसी विकराल रूप धारण कर चुकी है। तमाम क्षेत्रों में कटान जारी है। प्रशासन गाहे बगाहे बचाव कार्य भी करती है, लेकिन मानो ऊंट के मुंह में जीरा। हमारी खबर का असर, या यूं कहिए कि देर से सहित दुरुस्त अधिकारी जाग गए। मुआयना हो रहा है, तत्काल बचाव और राहत कार्य भी, कटान रोकने की एक कोशिश भी की जा रही है। निश्चित रूप से लोगों को शायद इससे लाभ भी मिले। अनुभवी आंखें यूं ही शासन प्रशासन को, तमाम जनप्रतिनिधियों को व्यवस्थाओं के खिलाफ जगाती रहेगी, बताती रहेगी कि कहां क्या कमियां हैं। हम एक सच्ची पत्रकारिता के साथ हमेशा आम जनता की आवाज है, सरकार की भी आवाज है, जनप्रतिनिधियों की भी आवाज है। उनकी योजनाओं को भी आखिर हम ही जनता तक लेकर जाते हैं, और जनता की समस्याओं को भी जनप्रतिनिधियों और सरकार तक लाते हैं। इन दोनों के बीच कड़ी का काम बखूबी अनुभवी आंखें निरंतर करती आ रही है। आप सबसे अनुरोध है कि अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। खबर का हुआ असर, देर से ही सही राहत बचाव कार्य आरंभ हुई। सहरसा का कोसी के दियारा क्षेत्रों में एक बार फिर से अनुभवी आंखें का असर देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, सहरसा। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना।